हमीरपुर के ग्राम पंचायत अनुकला में सड़क पर गंदे पानी की समस्या गहराती जा रही है और पिछले 2 महीनों से बीच सड़क पर तालाब बना होने के चलते लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। प्रतापनगर से होते हुए जाने वाले सड़क मार्ग पर अनुकला पंचायत लगते ही एक जगह पर टॉयलेट डाली जाने के बाद सड़क लपलप गंदे पानी से भर रही है, जिसके चलते कई दिनों तक लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि इस बाबत पंचायत प्रधान से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को भी स्थानीय लोगों ने शिकायत की है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस मार्ग से अनुकला बल मोही घनाल के सैकड़ों लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, लेकिन जरा सी बारिश होने पर 2 फीट तक पानी जमा होने से लोगों को मार्ग से निकलने में दिक्कतें पेश आती हैं, जिस कारण बुजुर्ग बच्चों के साथ साथ लोगों के कपड़े और जूते भी पानी में गंदे हो रहे हैं। कई बार तो दोपहिया वाहन दुर्घटना का शिकार बन चुके हैं। हर वक्त पानी जमा होने के कारण साथ लगते घरों में सीलन भी आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक तो कोरोना का खौफ और दूसरा घरों से बाहर निकलते ही गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार समस्या के बारे में पंचायत प्रधान से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को शिकायत की है, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। सितम्बर महीने में टाइल पड़ी जी, आगे ऊंचा कर दिया और यहाँ झील कर दी, तो पीडब्ल्यूडी एक्शन के को भी रिपोर्ट करी हमने, 4-5 बंदे गए, वो गए हो जाएगा। सीएम को भी करिए जी, सीएम को कहाँ किया हो? कोई नहीं आया। सीएम को कहाँ किया आपने? एक वहाँ कोई शिमला करी थी जी, तो वहाँ बहुत पहले से पहले उधर खड़ा होता था, ये यहाँ से ये ठीक कर दिए गए सारा, फिर अब भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है। लोगों के आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है आजकल, वैसे बीमारी का चला हुआ है तो इससे गंदगी से, इस पानी से तो और गंदगी बहुत आती है। आपने क्या विभाग को शिकायत की इस बारे में? हाँ की। क्या बोला? अभी तक तो कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक तो। और सीएम को भी, आप क्या चाहते हैं? ये ठीक होना चाहिए जी, यहाँ से लोगों को आने जाने के लिए ये ठीक होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए। बच्चों को आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे तो। सर ये यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जा रहा है, ये रोड बना पीछे, उसके बाद से ये यहाँ पे इकट्ठा होने लग जा रहा है पानी। और ये स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी है, जब स्कूल जाते हैं तो अगर बारिश जरा सी भी होती है तो स्कूली बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये जो रोड है ये 2-3-4 गाँव को कनेक्ट करता है, 3-4 पंचायतों को, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी है जी हम लोगों को। आपने क्या इसके बारे में विभाग को बताया कभी? हाँ जी, कंप्लेंट करी थी हमने पीडब्ल्यूडी में, ये पीडब्ल्यूडी रोड है तो पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को भी बोला सर, वहाँ पे गए थे हम सब इकट्ठे, क्या बोला? चले गए। क्या बोला उन्होंने? बोला कि जी करेंगे, बस टेंडर पास हो जाए, बस टेंडर हो जाए, अभी करते हैं। मार्च के बाद बोला था, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सड़क के साथ लगते घरों की महिलाओं ने बताया कि घरों के साथ पानी जमा हो रहा है, जिससे घर के अंदर भी सीलन बनी हुई है और मकान को खतरा बन रहा है। उन्होंने बताया कि हर जगह शिकायत कर चुके हैं लेकिन समस्या हल नहीं हो पाई है। आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि पानी इतना खड़ा हो रहा है कि यहाँ पे बच्चे भी गिर रहे हैं, हमारे मकान का भी खतरा हो रहा है और हमारी दुकान है, दुकान का भी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे पानी कितनी हो है कि वहां से इन्होंने ऊंचा कर दिया और इधर से पानी इधर को कर दिया, पहले पानी इधर को जाता था सारा, अब ये पानी कर दिया इन्होंने इधर, और यहाँ रुका हुआ है ना, कहीं भी जाने का नहीं है इसका रास्ता जो जाए। आते जाते स्कूल के बच्चे हैं, सब गिर रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारा तो, जीना खराब हो रहा है, ऊपर से ये बीमारी है। अब ये बताओ कि हम क्या करें? हमने सारे में कर दी, रिपोर्टें भी कर दी, हेल्पलाइन पे भी कर दी, इनको भी बोलते कहते जी हो जाएगा और करते कोई नहीं, ना कोई आता है यहाँ पे। ठीक, पानी करा प्रबंध बड़ा बुरा हाल है, बच्चे टप्पा दे स्कूल, हूँ स्कूल निकल उन्हें ताली, बच्चे हर वर्दियां मुंडो जा रही सारिया, फायदा क्या सोचे और नुकसान करता। कितना टाइम हो गया इस समस्या को? सितंबर महीने से है, 6 महीने हो गया। 6 कितना टाइम हो गया इस समस्या को? 6 महीने हो गया। 6 को 6 महीने हो गया होंगे। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा ना, बुरा हाल है। ठीक ठीक है।
वहीं समस्या के बारे में एसडीएम हमीरपुर चिरंजीलाल चौहान ने बताया कि अनुकला ग्राम के बाशिंदों की समस्या को हल करने के लिए जल्द प्रयास किया जाएगा और पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि जल्द सड़क को दुरुस्त किया जाए। इस संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि आपके माध्यम से प्रशासन को एक कंप्लेंट मिली है, इसके लिए कंसर्न विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग को डायरेक्शन दे दी जाएगी कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें ताकि लोगों को असुविधा ना हो।